अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप एक अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बना सकते हैं जिसका सीक्रेट डिकोडिंग वाइटी को पता है और आपको नहीं। आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे एक अट्रैक्टिव थंबनेल आप भी बना सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है कलर कॉम्बिनेशन। थंबनेल बनाने से पहले आपको कलर ग्रेडिंग, कलर साइकोलॉजी का पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप सब कुछ बनाते हुए भी कुछ ऐसा थंबनेल बना डालेंगे। कलर कॉम्बिनेशन में दो तरह के कलर्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स और कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो होते हैं जो एक दूसरे से मैच करें और आपस में अच्छे लगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्रीन कॉम्प्लीमेंट्री है रेड के और येलो कॉम्प्लीमेंट्री है पर्पल के। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्लू और पर्पल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स वो होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। डिकोडिंग वाइटी एल्ग्रो और ग्रो वाइटी रेड और ग्रीन कलर का इस्तेमाल अपने थंबनेल में ज़्यादा करते हैं बिकॉज ये थंबनेल कलर अट्रैक्टिव ज़्यादा लगते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है टेक्स्ट एंड फ़ॉन्ट। थंबनेल में आप कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं ये आपके थंबनेल की वाइब को बहुत अट्रैक्ट करता है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट चेंज करने से किस तरह आपका थंबनेल अफेक्ट हो रहा है। अब आठ नंबर पे हमारे पास आती है स्पेसिंग। स्पेसिंग में आपको वो चीज़ आ जाती है जिस चीज़ को आप थंबनेल में ज़्यादा शो करवाना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप फेस रिवील करते हैं तो उसमें आपको 80-20 रूल फॉलो करना होगा, जिसमें आपका 20% फेस होगा थंबनेल में और 80% आपका टॉपिक होगा। अब ये तीन पॉइंट्स तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, लेकिन अगर आपको थंबनेल पर क्लिक रेट मज़ीद बढ़ाना है तो फिर आपको देखना होगा पॉइंट फोर को, जो है ब्रांड कंसिस्टेंसी। ब्रांड कंसिस्टेंसी अगर आप अपने चैनल की मेंटेन रखते हैं और सेम वाइब फॉलो करते हैं, इससे आपकी वीडियोज़ पर क्लिक रेट और भी बढ़ जाएगा और आपका CTR भी साथ साथ बढ़ जाएगा। अगर आपको ये चारों पॉइंट समझ आ गया है तो आप अपने थंबनेल का 50% काम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेस एलिमेंट्स। आपके थंबनेल में जितने कम एलिमेंट्स होंगे उतना ही अट्रैक्टिव होगा और लोगों को इसी तरह के थंबनेल ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। नंबर टू पे आता है अलाइनमेंट। गलत अलाइनमेंट से आपकी बहुत सी स्पेस एम्प्टी हो सकती है जो आपके थंबनेल को बर्बाद कर सकती है। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि गलत अलाइनमेंट से थंबनेल कैसा लग रहा है। नंबर थर्ड है ऑप्टिमाइजिंग फॉर डिवाइसेस। आपकी वीडियो हर तरह के डिवाइस में देखी जाने वाली है तो आपको ये इंश्योर कर लेना होगा कि आपका थंबनेल डिफरेंट डिवाइसेस में कैसा लगता है। इसके लिए आप thumbnailpreview.com पर चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको ये वाला थंबनेल बनाना सिखाने वाली हूँ क्योंकि इसमें बहुत से एलिमेंट्स को यूज़ किया गया है, जिसके लिए हम जाएंगे क्रोम पर और सर्च करेंगे pixabay.com और सर्च बार में आपको लिखना है ब्लैक बैकग्राउंड और ये वाला ब्लैक बैकग्राउंड आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको जाना है PNG विंग पर और बैग PNG को सर्च करना है और थंबनेल वाला बैग जो होगा सेम एडिटिंग आपको वही डाउनलोड कर लेना है। फिर इसी तरह यूट्यूब और लाइव का PNG भी सेव कर लेना है। अब आ जाना है हमें पिक्सल लैब में और इसका ये टेक्स्ट आपको डिलीट कर देना। अब थ्री डॉट पे क्लिक करके हमें इमेज साइज को सिलेक्ट कर लेना है। रीसेट पे क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट कर लेना है। फिर ऊपर प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और फॉर्म गैलरी पर क्लिक कर देना है। फिर वही बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लें और फिर लेयर पर जाकर लॉक कर दें। अब हमें ग्राफ को सिलेक्ट करना है। फिर आपने जाना है ओपेसिटी में और ओपेसिटी को 48% सेलेक्ट कर लेना है और इस लेयर को भी लॉक कर देना है। अब आपने दोबारा गैलरी में जाना है और यूट्यूब के PNG को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद एम्बोस को सिलेक्ट करना है और उसको एडजस्ट कर लेना है। एम्बोस को सिलेक्ट करने से आपके लोगों में 3D इफेक्ट आ जाएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद इसकी एक कॉपी कर लेनी है और पोजीशन को सेट कर ले के इसकी सैचुरेशन -100 कर देनी है। अब दोबारा से प्लस का ऑप्शन क्लिक करना है और बर्ड का PNG आपने इधर ऐड कर लेना है। उसके बाद इधर शेडो पर आना है और उसे इनेबल कर देना है और ब्लर रेडियस को फुल कर देना है और मेन्यू कलर सेलेक्ट कर लेना है। ओके कर लेने के बाद एम्बोस को एनेबल कर देना है। अब इसकी भी कॉपी कर लेनी है और सैचुरेशन को -100 कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो आउटलाइन आ रही है, आउटलाइन को हटाने के लिए हमें इनर शेडो पर जाना है और इसे ऑफ कर देना है। अब इस बल्ब को चमकाने के लिए लाइट वाला PNG ऐड करें। अब इस लाइट में से ब्लैक कलर को रिमूव करने के लिए इरेज कलर पर जाकर ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लें और कलर पिकर से ब्लैक कलर को रिमूव कर दें, इससे आपका ब्लैक कलर रिमूव हो जाएगा। अब आपने इसकी टॉलरेंस को बढ़ा देना है और लेयर्स ओपन कर देनी है और बल्ब को चूज करके जहां आपको डॉट्स नज़र आ रहे होंगे उन पर क्लिक करके बल्ब को टू फ्रंट पर ले आना है। अब यूट्यूब आइकन की थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे ताकि एक अच्छा खासा इफेक्ट मिले। अब आपको शेप्स को सिलेक्ट करना है और लाइन में एडजस्ट कर लेना है। फिर ओपेसिटी पर जाना है और इसकी ओपेसिटी को कम कर देना है। अब हमारे टेक्स्ट ऐड करने की बारी है, जो कि थंबनेल में सिर्फ वही चीज़ रह गई है। उसके लिए टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, बाद आपको टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। अब आपको फ़ॉन्ट चूज़ करना है, उसके लिए आप dfont.com पर जाकर चूज़ कर लेते हैं। सबसे अच्छा बेस्ट जो है वो है यूनिसेंस हैवी इटैलिक फ़ॉन्ट। एलिमेंट्स के और फ़ॉन्ट्स का जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया वो आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ॉन्ट ऐड करने के बाद अब हमें इसे हाई क्वालिटी में सेव कर लेंगे।
उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।